मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को कल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि 8 अगस्त को कोर्ट में पेशी के दौरान ब्रजेश ठाकुर पर जन अधिकार पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और उसके मुंह पर कालिख पोत दी थी, जिसके बाद सुरक्षा कारणों की वजह से आज ब्रजेश ठाकुर समेत 9 अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान ब्रजेश ठाकुर ने पॉक्सो कोर्ट के जज से कहा कि उसे मुजफ्फरपुर जेल के जिस सेल में रखा गया है उसमें 3 अत्यंत खूंखार माओवादी भी रहते हैं और उनसे जान का खतरा है। ब्रजेश ठाकुर ने कोर्ट से अपील की कि उसे माओवादियों से अलग दूसरे सेल में रखा जाए, अगर जज ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया है।